आप सभी का बहुत धन्यवाद और स्वागत। एक शॉर्ट नोटिस में आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। बंधुगण, बहुत ही संवेदनशील विषय है। बड़े दुख के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हम सब ने एक बात बड़े स्पष्टता के साथ कही है कि महामारी को लेकर, पैंडेमिक को लेकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत को एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए और भारत ने एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी भी है। मगर कल जिस प्रकार से सदन में एक प्रश्न उत्तर को लेकर राजनीति की गई है, ऑक्सीजन के शॉर्टेज और उसके कारण हुए मृत्यु को लेकर, यह बहुत ही अफसोसजनक विषय है। क्या सोचते होंगे वो परिवार जिनके परिवारजन हमें छोड़कर चले गए कि ये नेता इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं किंतु फिर भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं, इनमें संवेदनशीलता की इतनी शॉर्टेज है। इसलिए बहुत दुख के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रख रहा हूँ। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये बाज नहीं आ रहे हैं पैंडेमिक में भी राजनीति करने से। कल आपने देखा होगा, एक सवाल पूछा गया था मौत के आंकड़ों को लेकर कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण क्या कोई मौत हुई। मैं बिल्कुल हूबहू जो रिप्लाई दिया गया है सदन के पटल में, उस उत्तर को पढ़ देता हूँ। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द डेथ्स हैव बीन इश्यूड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। Accordingly, all states and union territories report cases and deaths to the Union Health Ministry on a regular basis. However, no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by the states and union territories. तीन चीजें इसमें जो उत्तर दिया गया है, तीन चीजें इस पर ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वह अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। मैं उदाहरण देता हूं, आप देखिए जो दोगले मापदंड हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के। मैं पहले छोटे भाई अर्थात अरविंद केजरीवाल से शुरू करता हूं, उसके बाद बड़े भाई राहुल गांधी की ओर जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपको याद होगा बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में, अप्रैल 23 और 24 के मध्यरात्रि में बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। और ये बात बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया में आया था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ है। और अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर बहुत सारी राजनीति की कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण 21 लाख लोगों की जान चली गई। बंधुगण, ये पूरा विषय दिल्ली हाईकोर्ट में गया, दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पाली जी के पास गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल को एक ऑर्डर पास किया कि इस पर एक कमिटी दिल्ली सरकार बनाए। 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 लोगों की एक कमिटी बनाई कि जरा पता लगाइए इन 21 लोगों की मृत्यु क्यों हुई है। वो कमिटी की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबमिट किया और उस कमिटी के रिपोर्ट में क्या कहा गया है। It said that of all the 21 patients, they were all getting oxygen therapy or ventilation throughout their hospital stay, including at the time of resuscitation, and there was no mention of oxygen shortage. आप देखिए, वो पूरा रिपोर्ट मैं लेके आया हूँ और इस रिपोर्ट में एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है। ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया में भी छपा था ये रिपोर्ट्स।
मेनी ऑफ द रिपोर्टेड पेशेंट्स, मतलब ये 21 पेशेंट, हैड वन और मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी लाइक हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, डीएम, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरटेंशन. All these patients were receiving some form of oxygen therapy and or ventilator support during the hospital stay. और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि there is a lack of any evidence to suggest that these deaths were because of oxygen shortage. The Aam Aadmi Party government has informed the Delhi High Court that oxygen shortage as the cause of death of 21 COVID patients at Jaipur Golden Hospital here could not be ascertained by an expert committee which probed the matter. ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ है. ओवर द 7 आवर्स ऑफ टाइम पीरियड एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वेर ऑलरेडी वेरी सिक एंड क्रिटिकल आइदर फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे इवन प्रायर टू द इवनिंग ऑफ अप्रैल 23. ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई. ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है. ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है. अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है ऐसा लिख के दिया है क्या? टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ, ये राजनीति रुकनी चाहिए. अब राहुल गांधी जी की तरफ आइए. देखिए, आज मैं सुबह देख रहा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी भी सरकार में है महाराष्ट्र में, और संजय राउत जी कह रहे थे कि आई एम शॉक्ड. चिंतित तो शॉक होना चाहिए, एक भी आदमी की मृत्यु होती है तो चिंतित होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए. मगर झूठ का सहारा लेके आप अगर राजनीति करें देन वी आर शॉक्ड कि आप ऐसे विषय पर राजनीति करते हैं. मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाईकोर्ट को वो आपके सामने रखता हूं. नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट टेल्स बॉम्बे हाईकोर्ट. औरंगाबाद बेंच ऑफ द कोर्ट डायरेक्ट्स द सेंटर टू प्रिपेयर अ बफर स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन, और ये पूरा का पूरा मीडिया आर्टिकल है. नो पेशेंट हैज डाइड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोल्ड द औरंगाबाद बेंच in front of justices Ravindra Ghughe and B.U. Debarwar, said the COVID-19 patients. आप बताइए, खुद दो justices के सामने बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है और माना है कि किसी प्रकार से भी कोई मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ. कल आप सभी ने, मैं ANI की रिपोर्ट को लेकर आया, कल आप सभी ने देखा होगा TS सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बयान दिया. उन्होंने बयान दिया, मैं पढ़ देता हूँ. It is true that no patient died due to lack of oxygen in Chhattisgarh. We have been an oxygen surplus state. There could have been some issues regarding management. Otherwise, there is no death due to lack of oxygen. खुद छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस की सरकार है वो सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ. फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार, जब ये खुद मान रही हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं. और आज मैं मीडिया से भी कहूँगा कि ये लोग तो, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये लोग तो झूठ बोलेंगे, भ्रम फैलाएंगे, अफरा तफरी का माहौल, कन्फ्यूजन का माहौल बनाने की चेष्टा देश में करेंगे. मगर हाथ जोड़ के चतुर्थ स्तंभ मीडिया से भी ये निवेदन है कि आप इन लोगों को एक्सपोज करिए, इनसे सवाल पूछिए. सवाल पूछिए आप राहुल गांधी से, सवाल पूछिए आप अरविंद केजरीवाल जी से, कि आप अपने अपने हाईकोर्ट में तो कुछ कहते हैं मगर आके टीवी के सामने और ट्विटर में कुछ और कहते हैं. आप इस प्रकार के झूठ के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल मीडिया उनसे पूछे. वायरस के कारण, इस महामारी के कारण हर घर को दुख और कष्ट झेलना पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है. पूरे संसार में, भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा. किंतु मुझे आज कहते हुए दुख हो रहा है कि वायरस के कारण तो दुख हुआ ही है मगर कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस के भ्रम के कारण, कांग्रेस के कंफ्यूजन के कारण भी दुख हुआ है, उसके कारण भी लोगों को कष्ट हुआ है. चाहे महामारी का विषय हो, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और हर विषय में लोगों को बरगलाना, ये राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है.
राहुल गांधी, यू हैव जस्ट एक्टेड एज अ ट्विटर ट्रोल थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है, दो दो लाइन का झूठ ट्विटर में लिख लिख के यू हैव जस्ट बिहेव एज अ ट्विटर ट्रोल एंड नथिंग एल्स। और ये बहुत दुखद है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री हैज बिहेव्ड सच इररेस्पॉन्सिबल। बंधुगण, आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, सोचिए, आप सोचिए जरा। मैं कुछ और भी मीडिया के रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, जिसने कहा कि हमारे पास कोई डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ था, उसी छत्तीसगढ़ में आप देखिए, उन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि 4 कोविड पेशेंट्स, उनकी मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ, ये मीडिया में छपा हुआ है। उस समय राजनीति कर रहे थे, मगर अब निकल कर कह रहे हैं कि कोई भी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ है। तो मोदी जी से घृणा करते करते उनके द्वारा अच्छे मैनेजमेंट को किस प्रकार से धता बताना है, यह काम कांग्रेस की सरकारें कर रही थी, ये हम देख रहे थे। मैं एक सवाल आज पूछता हूं बंधुगण, आप सोचिए, क्योंकि मीडिया ने हमसे भी कल पूछा कि अगर ये राज्य की सरकारें आपको आंकड़े नहीं दे रही हैं तो आप उनसे जबरदस्ती क्यों नहीं लेते हैं। अगर मैं एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दे आर किलिंग डेमोक्रेसी। मतलब इधर भी गड्ढा उधर भी खाई, आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या है, वरना हम रिपोर्ट कर दें, तो बोलेंगे डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। मतलब कोरी कोरी राजनीति करनी है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, कल जो मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थर्ड वेव की प्रिपरेशन के लिए बुलाया, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उससे नदारद क्यों रही। वाई वॉज द कांग्रेस पार्टी एंड द आम आदमी पार्टी एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग विच वॉज कॉल्ड रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ थर्ड वेव बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप मीटिंग में जाएंगे नहीं, और बाद में आप लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया नहीं, प्रधानमंत्री जी ने हमें चेताया नहीं। आप राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोविड के बारे में सुनना नहीं चाहते जब तक कि किसानों के बारे में चर्चा नहीं। क्या कोविड में हो रहे मृत्यु, क्या कोविड में हो रहे प्रिपरेशन, ये महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ऑक्सीजन में किस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करके उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाई जाए, हर जिले में प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मीटिंग में नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जी, आप क्यों नहीं जाते हैं मीटिंग में? मीटिंग में जाएंगे नहीं और ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करेंगे, ये हिंदुस्तान देख रहा है। हिंदुस्तान कभी भी आपको क्षमा नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। सर, आपने दिल्ली का जिक्र किया, देखिए, पहले बात तो है, ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज राजनीति का स्तर ये हो गया है कि कोरोना को लेकर हमें राज्यों को भी दो भागों में खंडित करना पड़ रहा है, दो भागों में विभाजित करना पड़ रहा है। एक भाग भाजपा शासित राज्य और दूसरा भाग भाजपा का जहां सरकार नहीं है, कांग्रेस या विपक्षी शासित राज्य। ऐसा कभी पैंडेमिक में नहीं होना चाहिए। आप याद करिए, आपने उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पर कोई लांछन नहीं लगाया, ना तो हरियाणा पे लगाया, ना दिल्ली पे लगाया, ना केंद्र सरकार पे लगाया। उन्होंने कहा हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ ना किसी मेडिसिन की कमी है, ना हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने उस समय कोई लांछन नहीं लगाया और आज भी उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है। उस समय अरविंद केजरीवाल जी 12 बजते ही रोज टीवी पर प्रकट होते थे, और खैर राहुल गांधी तो टीवी पर प्रकट नहीं होते थे, वो केवल ट्विटर पर प्रकट होते थे, और रोज मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, मोदी जी ने वैसा नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं मिला। मगर आज क्या हो गया? उस समय आप आक्षेप लगा रहे थे, मगर जब रिपोर्ट लिख के आपको हाईकोर्ट में देना पड़ता है तो उस समय वो रिपोर्ट बदल क्यों जाता है, ये प्रश्न है। जितेंद्र जी पूछिए। देखिए, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार है वो सार सिर्फ इतना है कि बहुत संवेदनशील विषय है,
मृत्यु के आंकड़े जो कल केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किए सदन के पटल के ऊपर, वो आंकड़े केंद्र सरकार के आंकड़े नहीं हैं, वो आंकड़े राज्यों और यूनियन टेरिटरीज द्वारा भेजे गए आंकड़े हैं। इसलिए अगर विपक्ष इस पर चार्ज लगाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सही आंकड़े नहीं रख रही है, तो विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने राज्यों, अपने शासित राज्यों से पूछना चाहिए कि वाकई क्या उन्होंने आंकड़े भेजे थे और हमने छुपा दिए। मूल प्रश्न यही है, जिन राज्यों ने आक्षेप नहीं लगाए थे उन राज्यों ने आंकड़े नहीं भेजे। ये सारे राज्य आक्षेप लगा रहे थे और आज भी आक्षेप लगा रहे हैं, मगर रिपोर्ट में दूसरा क्यों है, लिखित में कुछ और बोलने में कुछ, ऐसा क्यों है, ये मूल प्रश्न है। यस We just had one with the Tamil Nadu health minister. He said that there was no death due to oxygen in Tamil Nadu itself. But we also had one with the Delhi health minister. He said in Delhi deaths happened due to the oxygen or lack of oxygen. And we started a committee, we formed a committee, but it was scrapped by the LG. Tamil Nadu also has a BJP government, but they are saying that no death happened due to the lack of oxygen. But Delhi again and again is saying that yes, deaths happened due to lack of oxygen. See, two parts, and the answer in two parts. Number one, as far as health being a state subject is concerned, it is what the constitution of this country dictates. So we all have to follow the constitution of this country, number one. Number two, as far as the allegations by the Delhi government that, well, yes, deaths due to oxygen shortage happened in Delhi. My question is, I just, in fact, right now, presented in front of you, the report of the Delhi government's committee, the four-membered committee in front of the Delhi High Court. And categorically, the Delhi government's committee has mentioned that the death in Jaipur Golden Hospital, which was the only hospital which said that patients died because of shortage of oxygen in their hospital, there the Delhi government confirms that the death did not happen due to oxygen shortage. So just speaking and not writing, speaking something and submitting contrary views on the floor of the High Court, it means that you are trying to politicize the whole issue. And of course, they will try to bring LG everywhere. Did the LG say something to the Delhi High? To the Delhi government's committee that you don't submit the real report to the Delhi High Court? No one forcing them. Their hands were not tied. So what forced the Aam Aadmi Party not to submit the report to the Delhi High Court, which in fact the High Court had summoned, because they were politicizing the whole issue. Yes, ma'am. Yeah. देखिए, ओवैसी जी का ये बयान बहुत ही मुझे लगता है असंवेदनशील बयान है। त्यौहार है और हर हिंदुस्तानी त्यौहार का सम्मान करता है, मगर कोविड भी महत्वपूर्ण है। बैठक एक दिन पहले बुलाई गई थी, किस प्रकार से हर जाति धर्म के लोग सुरक्षित रह सके, सभी लोग एक स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ सके और कोविड पर हम नियंत्रण कर सके, इस पर तो बैठक में आना चाहिए। इस पर किसी भी बहाने के साथ बैठक में नहीं आना, मुझे लगता है ये कोरी राजनीति है। और खास करके पंजाब के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से किसानों को आगे रखकर कोविड को पीछे धकेल रही है, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है कि इतने गंभीर मसले पर भी केवल चुनावी राजनीति की जाएगी। इसका जवाब जनता जानना चाहती है और मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। Congress does not have any more privilege anymore in this country. It has no more privilege anymore in this country because the people of this country have realized what the Congress is. Congress is an instrument to manufacture confusion and anarchy. This is what Rahul Gandhi and the Congress party has reduced itself to. Aaj Congress party keval bhram ki sthiti kis prakar desh mein utpanna karaya jaye iska parayavachi shabd ban chuki hai. Hamara sawal uthta hai ki aapke rajya jo Congress shasit rajya hai, यदि वो खुद आंकड़े नहीं देते हैं तो हम आंकड़े कैसे ले आएंगे, हम आंकड़े कहाँ से ले आएंगे? ये आंकड़े देने का काम तो परफॉर्मा में जो गाइडलाइंस लेड है उसमें आपका कर्तव्य है। क्या महाराष्ट्र ने दिया? मैंने आपको भी दिखाया महाराष्ट्र ने हाईकोर्ट में क्या कहा।
टीएस सिंहदेव किसके हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपके शासित राज्य के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है? जब राजस्थान ने कहा है कि एक भी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, जब सारे कांग्रेस शासित राज्य कह रहे हैं कि उनके राज्यों में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण एक भी डेथ नहीं हुआ है, तो प्रिविलेज मोशन लाने से पहले राहुल गांधी जी को फोन उठा करके अपने ही मुख्यमंत्रियों से बात कर लेनी चाहिए, कोरी राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए संजय राउत जी शायद यथार्थ नहीं जानते हैं, आप संजय राउत जी को बताइए कि ये जो मरीज जिनकी मृत्यु हुई थी वही लोग हाईकोर्ट गए थे मुंबई में। हाईकोर्ट ने जब प्रश्न महाराष्ट्र की सरकार से पूछा तो महाराष्ट्र की सरकार ने पलट करके जवाब दिया, नहीं ये गलत कह रहे हैं, ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो शॉक तो हमको होना चाहिए, ये संजय राउत जी क्यों शॉक है? और दूसरी बात है, संजय राउत जी को बताइए इतने संवेदनशील विषय पर जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं, एक बार उनको चहल साहब जो मुंबई के कमिश्नर हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, उनके इंटरव्यू को जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था उसे पढ़ना चाहिए। खुद चहल साहब ने कहा है कि जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई थी महाराष्ट्र में, उन्होंने गृह मंत्रालय को फोन किया था और 15 से 20 सेकंड के अंदर गृह सचिव जी ने, कैबिनेट सेक्रेटरी ने बल्कि, उनको रिप्लाई दिया था और तुरंत ऑक्सीजन भेजा था। उन्होंने धन्यवाद भी किया था और उसी इंटरव्यू में कहा था कि केंद्र सरकार के ऊपर लांछन लगाना या उंगली दिखाना ये बिल्कुल उचित नहीं है, राज्यों से गलती हो सकती है, केंद्र सरकार ने अपना कर्तव्य संपूर्ण रूप से पूरा किया है, ये खुद मुंबई के कमिश्नर ने कहा है। देखिए पूनम जी, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जैसे मैंने कहा जिनके घर वाले चले गए हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो इसको सुन रहे होंगे, तो उनको तकलीफ हो रही होगी कि देश में किस प्रकार की राजनीति हो रही है। और मैं भी बहुत संभल करके संवेदनशीलता के साथ इस विषय को रख रहा हूँ। देखिए बहुत आक्षेप लगे जब ये कोरोना काल चल रहा था, सेकेंड वेव चल रहा था, तो आप याद करिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते थे, जो कांग्रेस शासित राज्य, आम आदमी पार्टी के राज्य, ये सब अटैक करते थे केंद्र सरकार के ऊपर। उस समय इन्होंने खुद कहा था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हमारे राज्यों में मृत्यु हुई है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि इनके राज्यों में मृत्यु हुई है, हम डिनाई नहीं करें, लोग परेशान होंगे, बिल्कुल परेशान होंगे, परेशान थे, हम टीवी में देख रहे थे। मैंने कहा अगर मृत्यु हुई है तो हमने तो नहीं रोका है, हमने किसी के हाथ को नहीं बांधा है, ये लिखित में जवाब मांगा गया था राज्यों से, राज्यों को दे देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हाईकोर्ट में भी क्या उन्होंने झूठ बोला जब ये कहा कि एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण से नहीं हुआ। बाकी जो आप कह रहे हैं बीजेपी शासित राज्य, देखिए बीजेपी शासित राज्य में भी लोग परेशान तो हुए होंगे, ऐसा मैं कहूँगा कि वहाँ बिल्कुल परेशानी नहीं थी, ये तो उचित नहीं है, लोग देख रहे हैं, मगर ना तो उन्होंने इस प्रकार का आक्षेप लगाया, ना इस प्रकार का कोई एफिडेविट हुआ, और ना ही उनके राज्य में इस प्रकार से कोई केस करने हाईकोर्ट में गए थे। जो तथ्य ग्राउंड पे है वो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो आक्षेप लगा रहे हैं उनको तथ्य उन्हीं को लाना पड़ेगा। तो आज कहाँ है तथ्य?